फ्रेंड्स, मैं संदीप कौशिक आपका स्वागत करता हूँ GKSection.com के ऑनलाइन वीडियो पोर्टल में। यहाँ हम आज देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के पार्ट 25 के सवाल जवाब हिंदी भाषा में। क्वेश्चन नंबर एक से शुरुआत करने से पहले बताऊंगा दोस्तों, यहाँ पर आपको हर सवाल में 5 सेकंड मिलेंगे। आप सही जवाब दो, उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो और हमें बताइए आपने कितने सवाल के सही जवाब दिए। क्वेश्चन नंबर एक में पूछा गया, रेलवे में शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत किस वर्ष थी? तो दोस्तों ये बार बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं, 1988, 1969, 1950, 1891 में से कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है वो है 1988। दूसरे प्रश्न पूछ गया है, वर्ष 2013 में स्वामी विवेकानंद की 150वीं वर्षगांठ पर कौन सी एक्सप्रेस शुरू की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, युवा एक्सप्रेस, कवि गुरु एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस या फिर विवेक एक्सप्रेस। 5 सेकंड का समय है, 3, 2, 1 एंड 0। इसका सही उत्तर हम बताते हैं वो है विवेक एक्सप्रेस। प्रश्न 3, दुरंतो एक्सप्रेस की शुरुआत किस वर्ष की? 2005, 2007, 2009 या फिर 2011। इसका सही उत्तर हम बताते हैं वो है इसका 2007। दोस्तों ये टिक मार्क जो देख रहे हो आप, टिक मार्क गलती से थोड़ा नीचे लग गया है, वैसे इसका सही उत्तर जो है वो है 2007। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया, इनमें से कौन सी एक्सप्रेस दिल्ली से आगरा के बीच 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है? राजधानी एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस या फिर दुरंतो एक्सप्रेस। इसका सही उत्तर है वो है गतिमान एक्सप्रेस। रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान में कौन सी एक्सप्रेस शुरू की गई थी? युवा एक्सप्रेस, कवि गुरु एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस या फिर विवेक एक्सप्रेस। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्लीज बुकमार्क करें इसे, नोट आउट करें इस टाइप के क्वेश्चंस को। इसका सही उत्तर हम बताते हैं वो है कवि गुरु एक्सप्रेस। छठे प्रश्न पूछ गया, इनमें से किस एक्सप्रेस में 60% से ज्यादा सीट 18-45 साल के यात्रियों के लिए रिजर्व होती है? युवा एक्सप्रेस में, कवि गुरु एक्सप्रेस में, इंटरसिटी एक्सप्रेस में या फिर विवेक एक्सप्रेस में। तो सही उत्तर हम बताते हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर है युवा एक्सप्रेस। सातवें प्रश्न पूछ गए, इनमें से कौन सी एक्सप्रेस महत्वपूर्ण शहरों को आपस में जोड़ने के लिए छोटे रूट वाली ट्रेन होती है? युवा एक्सप्रेस, कवि गुरु एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस या फिर विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन सेम थे इससे पहले वाले प्रश्न अगर देखें तो। इसका सही उत्तर है दोस्तों वो है इंटरसिटी एक्सप्रेस। चलते हैं अगले प्रश्न पर, इनमें से कौन सी पर्यटक रेलगाड़ियां नहीं होती? पैलेस ऑन व्हील्स, महाराजा एक्सप्रेस, दी गोल्डन चैरियट या फिर सब आर्वन एक्सप्रेस। दोस्तों बताते हैं, सही उत्तर है दोस्तों इसका वो है सब आर्वन एक्सप्रेस। नवे प्रश्न में चलते हैं, भारतीय रेलवे में कितने रेल क्षेत्र यानी कि जोन अभी कार्यरत हैं वर्तमान में? 20, 13, 23 या फिर 17। ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है दोस्तों, ये हम पहले भी पूछ चुके हैं शायद पार्ट 2 में या फिर 3 में। तो इसका सही उत्तर हम बताते हैं वो है 17। यदि आपने पार्ट देख लिया होगा 2 या 3 तो आपको जवाब इसका मालूम होगा। तो दोस्तों इसका पार्ट, इस प्रश्न का सही उत्तर था 17। दसवें प्रश्न, इनमें से कौन सी ट्रेन दार्जिलिंग के पहाड़ी इलाकों में चलती है? फास्ट पैसेंजर, सब आर1 एक्सप्रेस, हेरिटेज ट्रेन दार्जिलिंग, हिमालय रेलवे, इनमें से कोई नहीं। चलिए हम बताते हैं इसका सही उत्तर। सही उत्तर है इसका हेरिटेज ट्रेन दार्जिलिंग हिमालय रेलवे। तो प्रिय दोस्तों ये थे 10 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे सेक्शन से लिए गए, जो कि जीके सेक्शन वेबसाइट से लिए गए। यदि इनके पीडीएफ चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, जिसका नाम है www.gksection.com, वहां पर इसके